ग्रीन ग्लोब सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चंद्रपुर की ओर से किस संदर्भ में पत्र परिषद ली गई, देखिए इस खबर में। ग्रीन ग्लोब सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चंद्रपुर की ओर से आज शहर में पत्र परिषद ली गई। पत्र परिषद में जानकारी दी गई कि ग्रीन ग्लोब सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा चंद्रपुर जिले में थर्मल पावर स्टेशन द्वारा उत्पादित फ्लाई एश के उपयोग एवं नियोजन हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम को उपक्रम रखा गया है, जिसके तहत चंद्रपुर के फ्लाई एश क्लस्टर को पुनर्जीवित करने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जा रहा है। मित्र कारपोरेशन मुंबई फ्लाई एश क्लस्टर का टेक्निकल ऑडिट करने का प्रस्ताव उद्योग विभाग को प्रस्तुत करने जा रही है। हरवाई सीटीपीएस कंपनी फ्लैश के वैल्यू एडिशन और क्लासिफिकेशन संयंत्र की स्थापना के लिए जमीन देने की मंजूरी दी है। प्रकल्प प्रस्ताव महाजन को मुंबई प्रबंधन को भी प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके साथ ही अन्य जानकारी इस पत्र परिषद में दी गई। तो सुनिए इस संदर्भ में ग्रीन ग्लोब सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चंद्रपुर की ओर से क्या जानकारी दी गई। आगे कई वर्षापासून चंद्रपुर जिल्ह्यामध्ये थर्मल पॉवर स्टेशन द्वारा निर्मित फ्लैश त्याच्या समस्यावर खूप काम म्हणजे करण्याचा आमचे प्रयत्न होते। तर आता राज्य शासनाच्या माध्यमाने महाजनको सहकार्याने इकडील सगळ्या उद्योजक आणि उद्योगाच्या सहकार्याने आम्ही फ्लॅशचा वापर त्याचा नियोजन करण्यासाठी प्रकल्प राबवित आहोत। यासाठी सगळ्यांची मदत हवी, यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत आणि सहकार्य सगळ्यांचा मिळावा, ज्यामुळे यांचा एक परमनंट सोल्यूशन होऊ शकते याचा आम्ही अभ्यास करत आहोत। यासाठी सर्वांचं समर्थन आणि सपोर्ट आम्हाला